24 और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। खबरों की तरफ रुक करेंगे, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। न्यायाधीश एनवी रमना ने मुख्य न्यायाधीश पद की ली शपथ। सेना में संक्रमण की दर लगभग 99% हुआ फौजों का वैक्सीनेशन। देश में अब तक कुल 13,83,79,832 वैक्सीन लगाई गई। 100 करोड़ रुपए की वसूली पर अनिल देशमुख पर सीबीआई की एफआईआर दर्ज। राजस्थान में अब जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइडलाइंस जारी। कोविड के इलाज के लिए डीसीजीआईए ने जायडस की वेरीफाइड दवा के इस्तेमाल को दी मंजूरी। राजस्थान सरकार की ओर से अंत्योदय परिवारों को बांटी गई चीनी। सलमान खान की फिल्म राधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्द होगी रिलीज। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत कार्यक्रम कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। न्यायाधीश एनवी रमना ने मुख्य न्यायाधीश के लिए शपथ ग्रहण की। न्यायाधीश एनवी रमना आज से नए न्यायाधीश के रूप में विराजमान होने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसी मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई है। सेना में संक्रमण की दर लगभग 99% फौजियों का वैक्सीनेशन हुआ। भारतीय सेना ने एक बार फिर देश के सामने मिसाल कायम की है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम और कोविड प्रोटोकॉल के पालन में जीरो टॉलरेंस के दोहरे प्रयोग से सेना ने अपने यहाँ संक्रमण की दर लगभग 0 पर लाकर पहुँचा दी है। खास बात यह है कि सेना ने ये कमाल पिछले 2 महीने से भी कम समय में कर दिखाया है। देश में अब तक कुल 13,83,79,832 वैक्सीन लगाई गई। प्रधानमंत्री के टीका उत्सव के तहत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 39,01,412 वैक्सीन लगाई गई है। इसमें अभी तक 45 आयु वर्ग के ऊपर के लोगों को ही टीका लगाया गया है। इसके साथ ही देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 14 करोड़ पहुंचने वाला है, जो कि अभी 13,83,79,832 हो गया है। वहीं टेस्ट की बात करें तो भारत में कुल 27,61,99,222 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 17,53,569 सैंपल कल टेस्ट किए गए। 100 करोड़ रुपए की वसूली पर अनिल देशमुख पर सीबीआई एफआईआर दर्ज। 100 करोड़ रुपए की वसूली वाले आरोप पर सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने देर रात मुंबई, नागपुर समेत महाराष्ट्र के 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की। जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख फिलहाल नागपुर में हैं और वहां भी एक टीम उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई इससे पहले पूर्व गृह मंत्री से 11 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे से भी पूछताछ कर रहे हैं। राजस्थान में अब जन अनुशासन पखवाड़ा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी। नई गाइडलाइंस के तहत कुछ दुकानों के समय और दिन में बदलाव किया गया है, जो कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेगी और शनिवार व रविवार को ये बिल्कुल बंद रहेगी। बैंक और बीमा ऑफिस आमजन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जा सकते हैं। शादी से जुड़े कार्यक्रम अब 3 घंटे के भीतर निपटाने होंगे। 26 अप्रैल से निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। निजी वाहनों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही भराई जा सकेगी। कोविड के इलाज के लिए डीसीजीआई ने जायडस की वेरीफाइड दवा के इस्तेमाल को दी मंजूरी। अब कोविड के इलाज के लिए डीसीजीआई ने जायडस की वेरीफाइड दवाई के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। दावे के मुताबिक ये दवा ट्रायल्स के दौरान 91% कोरोना मरीजों पर कारगर साबित हुई है। दवा बनाने वाली कंपनी जायडस का दावा है कि वेरीफाइड के इस्तेमाल से आरटीपीसीआर रिपोर्ट 7 दिन बाद नेगेटिव आई है, जो कि 91.15% मरीजों के साथ हुआ। जायडस ने ये ट्रायल देश के तकरीबन 25 सेंटर्स पर किया था। इसे देखते हुए भारत की दवा नियंत्रक संस्था ने कोरोना मरीजों के लिए इसके इस्तेमाल को मंजूरी भी दे दी है। अब इसे अस्पतालों में भी उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान सरकार की ओर से अंत्योदय परिवार को बांटी गई चीनी। प्रदेश के 6,28,582 अंत्योदय परिवारों को वित्तीय वर्ष 2021 के द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास के लिए 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 6 किलो चीनी बांटी गई, जिसका वितरण उचित मूल्य की दुकानों से किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि अंत्योदय परिवार के लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर पोस मशीन के माध्यम से एक साथ 6 किलो चीनी प्राप्त कर सकते हैं। सलमान खान की फिल्म राधे ओटीटी पर जल्द होगी रिलीज।
सलमान खान ने ईद पर राधे की रिलीज का ऐलान कर दिया है। इसलिए फिल्म को OTT पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म को OTT पर भी रिलीज करने के फैसले से सिनेमा घरों के मालिक बहुत मायूस हैं, क्योंकि ये फिल्म जब भी रिलीज होगी तब पिछले साल का थोड़ा बहुत घाटा पूरा कर देगी, ऐसी उम्मीद टूट चुकी है। इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24।